हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। क्रिप्टो इनसाइडर टीए में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा चैनल बिल्कुल नया है और स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाया गया है, उन दर्शकों के लिए जो हिंदी में टेक्निकल एनालिसिस ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो जेन्युइन टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, बट उसमें मेजर प्रॉब्लम यह है कि वो उनकी जो लैंग्वेज है वो कई इंडियंस के लिए मुश्किल होता है, स्पेशली फॉर हिंदी गाइस। तो ये पूरा का पूरा चैनल में जितने भी वीडियोस होंगे वो मैक्सिमम मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे हिंदी में बनाऊँ एंड टेक्निकल टर्म्स को भी आसान भाषा में आप लोगों को समझाऊँ। दोस्तों, ये चार्ट आप देख रहे हो, चार्ट अपने आप में पूरी हिस्ट्री बता रहा है। क्या बता रहा है हिस्ट्री में? 2012 जब से ये चार्ट अवेलेबल है तब से लेके आज तक का ग्रोथ आप देखिए। ऐसा ग्रोथ आपने शायद ही किसी और मार्केट में पिछले 10 सालों में देखा होगा। इसीलिए कहते हैं कि इस सदी का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो डिसीजन रहा है किसी के लिए भी, जिन्होंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था पास्ट में, ये बेस्ट आउटकम देने वाला एक करेंसी है। ये नहीं कि इसका ग्रोथ अभी कम हो गया, ऐसा नहीं है। आप इस चार्ट में देखोगे कि 2012 में अप्रॉक्सीमेटली ये लगभग $2 के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज अभी की बात करें तो लगभग 22,791 डॉलर पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं रुपीस में कन्वर्ट करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख और 17.5 लाख के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो बिटकॉइन में ट्रेडिंग कैसे करें और बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन में ट्रेडिंग करके हम अपने बिटकॉइन पोर्टफोलियो को कैसे डबल करें, ट्रिपल करें और साथ ही साथ आने वाले टाइम में, आने वाले नियर शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में, मतलब कि अगले 2 वीक से लेके आने वाले 2 महीने और 2 महीने से लेके आने वाले नेक्स्ट 10 महीने 12 महीने तक ट्रेंड क्या रहने वाला है, इसके बारे में इस चैनल पे हम बहुत डिटेल में डेली बातें करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए भले छोटा सा छोटा 5 मिनट के ही सही, लेकिन डेली कुछ ना कुछ अपडेट ला के दूँ और कोशिश करूँगा हर हफ्ते मैं आपको बिटकॉइन के बारे में और बिटकॉइन से रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी और ऑल्ट कॉइन मार्केट के बारे में कुछ ऐसे अपडेट्स बताऊँ जिसमें अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट को डबल और ट्रिपल और 100x करने में आपको मदद मिले। क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, मैं आप लोगों से अपना शेयर करना चाहूँगा एक्सपीरियंस कि मैं लगभग 5 सालों से क्रिप्टो करेंसी मार्केट को देख रहा हूँ। इनफैक्ट लास्ट बुल रन में मैं वन ऑफ द आप जैसा एक गाय था जो जिसको कुछ नहीं पता था, एंड सडनली इंटरनेट पे मैंने ढूंढा सर्च करते हुए कि एंड समहाउ मैंने रिस्क लेने की अपनी एबिलिटी को वहाँ पे एग्जीक्यूट किया। एंड अब यकीन मानिए कि क्योंकि 2017 अर्ली से लेके लेट 2017 बिल्कुल बुल मार्केट चल रहा था, मेरा हर डिसीज़न मतलब कि हर इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हर 2 हफ्ते 4 हफ्ते में हो रहा था। एंड मुझे इंटरनली मुझे मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इसके बारे में भी पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बुल मार्केट टॉप पीक पे जाता गया वैसे वैसे मैंने बहुत कुछ फेसेस किए, इश्यूज एंड बहुत सारे हैकिंग एंड कैसे एक बड़ा पोर्टफोलियो बन गया मेरा देखते देखते, और वो पोर्टफोलियो ड्यू टू सम काइंड ऑफ हैकर्स एंड ड्यू टू लैक ऑफ माई अवेयरनेस मैंने कैसे उसका लगभग 30 से 40% पोर्टफोलियो खो दिया। ये सारा कुछ मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा डिटेल में, बट कुल मिला के बात यह है कि मैंने काफ़ी कुछ फ्रॉम वेरी स्क्रैच माइनिंग से लेके बिटकॉइन ट्रेडिंग तक कैसे करके 2017 और 2018 में मैंने अपने पोर्टफोलियो को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट
अगर मैं अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट मैंने उसे समथिंग 50 टाइम्स कर लिया था, वो भी विद इन द 6 मंथ विदाउट एनी नॉलेज। बट जैसे मैंने बताया, 2018 में जब पीक हो गया, पीक आ गया, एंड उसके बाद बहुत सारे स्कैम्स एंड बहुत सारे हैकर्स अटैक, साइबर अटैक की वजह से मैंने काफ़ी बड़ा पार्ट खो भी दिया। बट ये सारे जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा। एंड दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, 2018 जनवरी के बाद से लेके लगभग 2019 दिसंबर तक बिल्कुल बियर मार्केट चल रहा था। उस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी बार कोशिश किया सेम नॉलेज, सेम चीज़ें अप्लाई करने की जो मैं पहले किया करता था, और मैं सक्सेसफुल होता था, वो हर बार फेलियर में कन्वर्ट होता गया। फिर मैंने चार्ट एनालिसिस वगैरह करना सीखा, एंड उसके बाद बियर मार्केट में भी मैंने अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही सही ग्रो करता रहा। एंड समहाउ मैं यहाँ तक सस्टेन किया। एंड आने वाले फ्यूचर में इसका क्या, कहाँ तक जा सकता है, इसका प्राइस लेवल क्या, टारगेट लेवल हो सकता है, ये सब कुछ मैं आप लोगों के साथ पूरे दिल से शेयर करूँगा, ताकि जो गलतियाँ मैंने लास्ट बुल मार्केट में किया वो गलतियाँ आप लोग ना करें। और जहाँ तक बात है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं, कैसे करना चाहिए इंडियन मार्केट में, अगर आप इंडियन यूज़र हो तो आप कौन सा एक्सचेंज यूज़ करो, ये सारा कुछ मैं एक एक करके आने वाले कुछ वीक्स में आपके साथ शेयर करूँगा। आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और इस चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं इस ड्यूरेशन में, आने वाले 1.5 सालों में, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अगर मेरे कहे हुए चीज़ों को अगर आप अमल में लाओगे तो आप अपने पोर्टफोलियो को मिनिमम 10 से 20 गुना कर पाओगे, वो भी आसानी से, बहुत आसानी से आप कर पाओगे। और मतलब ये वो गोल्डन मोमेंट है जो आने वाले टाइम में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कि जब मुझे कुछ नहीं आता था तब मैं, कहते हैं ना, किसी भी घोड़े पर हाथ रख देता था, वो घोड़ा रेस में आगे भाग जाता था। तो वो मोमेंट अब आ चुका है मार्केट में, और इस सब के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल में बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप और आपके दोस्तों तक पहुंच सके, और साथ ही मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लाइक और सब्सक्राइब से। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, और हम पूरे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस में आपको शेयर करूंगा कि कैसे मार्केट को आप एनालाइज कर सकते हो, कैसे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो आने वाले नियर बाय टाइम को, इन टर्म्स ऑफ स्टैट्स, इन टर्म ऑफ फिगर, कि आने वाले कुछ वीक्स में क्या बिटकॉइन ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है, वर्ल्ड कॉइन मार्केट कैसे रहने वाला है, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप अपने किस कॉइन में आपको पैसे लगाना चाहिए, ये सारा कुछ मैं आपको पूरा का पूरा शेयर करूंगा विदाउट एनी फिल्टर। जो भी मैंने आज तक सीखा है वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।